किया जाए तो प्रकाश हो जाता था, बताया है। उजाला हो जाता था तो उसी समय रुक्मिणी की सहेलियां बोली, बहन हम ये खेल नहीं खेलेंगे। क्यों? कि तुम इतनी सुंदर हो और अगर तुम्हें अंधेरे में खड़ा कर दिया जाए तो प्रकाश हो जाता है, सब दिख जाता है, इसलिए हम आग में चोली का खेल नहीं खोलेंगे। रुक्मिणी बोली, बता फिर कौन सा खेल खेलोगे? सहेलियां बोली, बहन तो ऐसा करो, चलो गुड्डा गुड़िया का ही खेल खेल लेते हैं, गुड्डा गुड़िया का खेल खेलेंगे। तो उसी समय मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, आज रुक्मिणी और रुक्मिणी की सहेलियां गुड्डा और गुड़िया का खेल खेलने के लिए तैयार हुई हैं। तो आज गुड्डा और गुड़िया का खेल होने लगा है, तो उसी समय मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, आज रुक्मिणी गुड्डा और गुड़िया का विवाह करने लगी अपनी सहेलियों के साथ। तो जब विवाह करने लगी तो रुक्मिणी की मैया ने एक बार देखा कि मेरी बिटिया रुक्मिणी गुड्डा और गुड़िया का विवाह कर रही है, तो इसका मतलब मेरी बिटिया भी विवाह की योग्य हो चुकी है। और उसी समय बांदी को बुलाया और बांदी से कहा, ये बहन बांदी, मेरा तू एक काम कर दे, अभी इसी समय और इसी वक्त मेरे महाराज को बुला करके मेरे पास लेकर गया। बांदी बोली, क्यों महारानी? अभी तो महाराज तुम्हारे पास से होकर के गए थे और आप फिर बुलाने लगे। महारानी बोली, बहन बांदी, मैंने तुझसे कहा मेरे महाराज को शीघ्र भी अपने साथ लेकर के आ, तू मेरी बात मान ली। और उसी समय बांदी आज महाराज भीष्मक को लेने के लिए चली है। तो इधर मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, आज वो बांदी धीमे धीमे महाराज भीष्मक के पास के लिए चली। तो श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, आज बांदी धीमे धीमे चलती जा रही है, जैसे ही रंग महल में पहुंच जाती है तो महाराज भीष्मक को राजगद्दी पर बैठे हुए देखा तो दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज तुम्हें तुम्हारी महारानी ने महलों में याद किया है और आप अभी हमारे साथ अतिशीघ्र चलिए। महाराज भीष्मक बोले, अभी तो हम महलों से ही आए थे और इतनी जल्दी? भैया और उसी समय आज बांदी बोली है, महाराज तुम्हें तुम्हारी महारानी ने याद किया है और आप हमारे साथ अभी महलों में चलिए। महाराज भीष्मक उसी समय बांदी के साथ महलों के लिए चले हैं। जब महलों के लिए चले हैं
तो महाराज भीष्मक महारानी के पास पहुंचे और कहने लगे, कहिए महारानी मुझे कैसा याद किया? अभी तो हम महलों से गए थे और आपने मुझे याद किया है। महारानी बोली, हाँ महाराज मैंने आपको याद किया है, मैंने आपको बुलवाया है। महाराज भीष्मक बोले, क्यों क्यों बुलाया मुझे, क्यों याद किया मुझे? महारानी बोली, महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, तुम तो राजपाट संभालने में लगे रहते हो और घर में बिटिया विवाह के योग्य हो चुकी है। महाराज आप ऐसा करिए, कहीं सुंदर सा घर वर देख लो, कहीं अच्छा सा लड़का देख लो और बिटिया रुक्मणी का विवाह कर दो। क्यों? घर में बिटिया कुआरी है और अगर घर में बिटिया सियानी हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बिटिया का विवाह कर देना चाहिए। क्यों? कि अगर बिटिया घर में कुआरी घूमती है तो भक्तों बताया जाता है कि माँ और बाप को पाप लगता है, इसलिए जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी रुक्मणी का महाराज विवाह कर दो। उसी समय महाराज भीष्मक बोले, इतनी सी बात के लिए और तुमने मुझे याद किया? महारानी बोली, हाँ महाराज यही बात है और इसी बात की हमें चिंता है, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रुक्मणी का विवाह कर दो। तो आज महाराज भीष्मक बोले, कोई बात नहीं है, आज हम सभा में जाएंगे और रुक्मणी के बारे में ही चर्चा करेंगे। आज महाराज भीष्मक और महाराज भीष्मक अपनी सभा में पहुंच जाते हैं और उस समय रुक्मणी क्या क्या लिखा है, we'll be right back।